So we'll see passage 1. Paradox of choices is illustrated by story of Buridan's as Jean Buridan, the 14th century philosopher, wrote about free will and the inability to choose due to numerous choices and uncertainties. So यहाँ पे बात कर रहे हैं paradox of choices की and is illustrated by Buridan's as. Jean Buridan कौन थे? 14th century philosopher and इन्होंने लिखा था about the free will and inability to choose due to numerous choices and uncertainty. एक story की बात की है. एक donkey, he stand बिटवीन टू इक्वली अपेलिंग स्टैक्स ऑफ हे. दो स्टैक्स ऑफ हे है. अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा किसको खाए एंड वो सोचते सोचते ही मर गया. तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन सच एज स्मार्टफोन्स टैबलेट्स ओनली एग्जर्बेट आर ग्लट ऑफ चॉइसेस. तो हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं इनोवेशन हो रहे हैं उससे हमारी चॉइसेज ही बढ़ी हैं. कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ द रियल टाइम डेटा एंड सोशल मीडिया कैन लीव लिटिल रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन. हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी है. हम रियल टाइम डेटा ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं उसका. And they're making decisions more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices, yet they find themselves with unhappy and anxious. So, बहुत सारे लोग हैं, they are overwhelmed with attractive life choices. लेकिन बहुत सारे overwhelmed हैं. They have attractive life choices, but अभी भी unhappy and anxious है. So, अभी हमें देखना है most logical messages. क्या-क्या most logical messages दिया जा रहा है? Modern technology enfeebles societal structure and makes it difficult. So, modern technology socialist लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाता है ऐसा नहीं है. चॉइसेस लेना डिफ़िकल्ट है. चॉइसेस की बात करें मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टिनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस. इसमें बोला है कि हाउ यू विल चूज़ लाइक चॉइस आप कर नहीं पा रहे हो एंड इज़ फुल ऑफ अनसर्टिनिटीज एंड अनसर्टिनिटीज मॉडर्न लाइफ में अनसर्टिनिटीज है ऐसी कोई बात नहीं की है. थर्ड वी आर इन्फ्लुएंस बाई द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो अवर ओन कन्विक्शन ऐसा कुछ नहीं बोला है. देन इन अवर लाइफ हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग बट हैविंग टू मेनी चॉइसेस कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट. तो इसमें डंकी की कहानी से पता चल रहा है कि उसके पास चॉइसेस थी ये खाएं कि दो खाएं दो मतलब दोनों स्टैक्स ऑफ हे में किसको खाएं उसको सोचते ही वो मर गया. तो ज़्यादा चॉइसेस होना भी इक्वली डिफिकल्ट है. कम चॉइस होना अच्छा बात नहीं है तो ज़्यादा चॉइस होना वो भी डिफिकल्ट है. तो डंकी की कहानी से हमें सबसे अप्रोप्रिएट मोस्ट लॉजिकल जो मैसेज जो पैराग्राफ दे रहा है दिस इज आंसर डी.